हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं हाउस डिजाइनर फिक्स एंड फ्लिप। जैसे कि आप सब लोग को पता ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने कुछ काम वाम किया था, और हाँ, ये मैच ये वॉलपेपर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक घर में मैं देखा था, तो इसलिए ये वॉलपेपर मैं अपने घर में लगा दिया है। ठीक है, तो वैसे तो, और हाँ, मैंने ये गैरेज का ये टूल बॉक्स खरीदा था, ठीक है, और मुझे ये गैरेज का ये डोर भी चेंज करना होगा, ये उसको छोड़ के ये सब डोर भी चेंज करना होगा, ये और विंडो भी चेंज करना होगा। और हाँ, और एक बात कि हमने अपने वॉशरूम में ये यहाँ पर ये मार्बल वार्बल लगा दिया था, मार्बल, तो अभी तो यहाँ पर एक बाथ टब की ज़रूरत, या फिर हम एक शावर खरीद लेंगे, यहाँ पर एक शावर बॉक्स रख देंगे। तो वैसे तो अभी घर से निकलते हैं और एक काम करते हैं। तो और मैं आज सोच रहा हूँ कि ये जो तीन डोर्स है और तीन तीन हाँ एक दो तीन तीन और ये जो दो विंडो है, इस सबको मैं चेंज कर दूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर भी दो विंडो है ना, टोटल चार विंडो है, फोर विंडो एंड थ्री डोर्स। इन सबको मैं सोच रहा हूँ कि आज ही चेंज कर दूँगा, सेल करके चेंज कर दूँगा। तो वैसे पैसा तो मेरे पास है अभी, लेकिन तब भी एक छोटा मोटा एक काम करते और इन सब को चेंज करते थे। तो गाइस, वैसे अभी तो हम नया काम में आ चुके, और वैसे थोड़ा बहुत साफ सफाई करना होगा, और शायद इस गैरेज को पूरा ही तैयार करना होगा। हाँ भाई, अच्छी खासी वाले काम है इधर पे। ठीक है, तो ये रूम भी तैयार करना होगा, ये वाला रूम भी। यहाँ पर उतना कुछ तैयार करने के लिए है नहीं, ठीक है, देख लेंगे क्या क्या है, लेकिन इस घर में बहुत काम है। ये देखो इधर पे तो साफ, ओ भाई इधर पे बहुत टूटा फूटा है भाई, बहुत टूटा है, लेकिन आज देखते हैं भाई साहब। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बाहर निकलो तुम, हम पहले घर से बाहर निकलते हैं, पहले तो घर से बाहर निकलो। इधर पे भी कूड़ा कचरा, हाँ पता ही था, पहले घर की दरवाजा है इधर पे। भाई इस घर को पहले देखो भाई, इस घर में लगता है कि उतना कुछ कूड़ा वूड़ा है, और अभी अंदर चलो। अरे वाह, अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है सब भाई सब। एक तो इतनी मेहनत करके इतने अच्छे वाले घर बनाए, तो थोड़ा साफ सफाई भी रखो भाई। हाँ वैसे वो जो वॉल में वो सब छेद वेद हो रखे, उस वो सब ठीक है, वो सब होते रहता है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई भी करो यार। इतना अच्छा एक घर बना के रखा है, और बिल्कुल भी, मुझे तो लगता है जिस दिन से यहाँ पर बंदर आ रहा है, उस दिन से ही शायद इसने कुछ साफ सफाई नहीं किया है। तो फिलहाल तो इधर का सारे कूड़ा लगभग मैं निकल, हाँ भाई निकल दिया है मैंने, और थोड़ा बहुत डाट वाट है, तो इन सब को तो मैं ऐसे ही चुटकियों में कर दूंगा। तो चलो इधर पे वॉलपेपर, लाइट क्लासिक, लाइट क्लासिक वॉलपेपर, मुझे पता नहीं है कौन सी वाली है, लाइट क्लासिक वॉलपेपर। ओ वॉलपेपर तो इधर पे था, सॉरी, तो वॉलपेपर लाइट क्लासिक ये मुझे देखना होगा। वॉलपेपर लाइट क्लासिक, तो वॉलपेपर लाइट क्लासिक, चलो अरे भाई अच्छा है भाई, ये वॉलपेपर भी अच्छा है,
ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पर काम है, चल दरवाजा बंद करो। ओ इधर पे शायद मैं अभी वॉल पर नहीं लगा सकता हूँ, मुझे लग ही रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो स्पैकलिंग पेस्ट इधर पे ही था, चलो स्पैकलिंग पेस्ट को इधर पे रख देते हैं, भाई इसका बहुत अभी ज़रूरत है। इधर पे चलो कर देते हैं भाई, और इधर का काम ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे कौन सी वाली थी, ये वाली। चलो भाई अभी स्पैकलिंग पेस्ट उठाओ, और जहाँ जहाँ पर तोड़ फोड़ है, ऐसे टूटा हुआ है, उधर सब सब जगह में मैं लगाने वाला हूँ अभी। पहले मैं भाई साहब, बहुत ही भाई किस तरीके से रहता था ये भाई, कैसे टूटा है भाई। मतलब देखो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन इतना सारा टूटा, वैसे लगता है, मतलब देख के लग रहा है कि अपने, जैसे कि हम जब बच्चे थे ऐसे करते थे ना, स्कूल की बेंच में जो कलर आता था वो नाखून से ऐसे उठाते थे, वैसा कुछ कर दिया है इसने, लगता है पूरा देख के ही ऐसा लग रहा है भाई साहब। अभी स्पैकलिंग पेस्ट तो लगाना शायद कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी भी दो रह गया है। ठीक है और इधर पे स्पैकलिंग पेस्ट लगा के कर देता हूँ, और इधर पे पहले तो सफाई करना होगा, और इधर पे शायद मुझे उतना काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो स्पैकलिंग पेस्ट लगा दिया, और ये जो कुछ कूड़ा कचरा है उसको मैं उठाऊंगा, और अरे भाई इसको, चलो इसको ले लिया, चलो कुछ झाड़ू वाड़ू मारना है तो चलो यही करते हैं, शायद इसके बाद ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा इस रूम का। चलो तो यही करते हैं, ठीक है।
चलो अभी। ओ भाई फिर मैंने देखा ही नहीं कि इधर पे एक जगह पे स्पेकलिंग पेस्ट लगाना बाकी है। ठीक है, इधर पे लगाते हैं और इधर पे अभी वॉलपेपर लगाना होगा डार्क पैथोस। ये मुझे पता है कि वैसे ये वॉलपेपर भी अच्छा है, तो लेकिन ये वॉलपेपर लगाने से ही मुझे कैसे पता नहीं, एक जो कार्टून वाला मिस्टर बीन होता था ना, उसके जैसा लगता है ये वॉलपेपर। मतलब उसके घर में ऐसा ही टाइप का एक था। ठीक है चलो, अभी स्पैकलिंग पेस्ट को बाथरूम में लेके चलते हैं। और पहले तो इधर पे भाई झाड़ू लगाओ भाई, कितना गंदा होके रखा है भाई। तो पहले तो झाड़ू पोछा ये सब लगाना अभी होगा। और इधर पे सिर्फ शायद ये वॉलपेपर लगाना होगा, उससे ही काम खत्म हो जाए। पहले ये दरवाजा बंद करो। चलो भाई, और ये हो गया, सिर्फ एक रह गया है और स्पैकलिंग पेस्ट लगाना होगा, लेकिन वो सिर्फ एक कप। चलो भाई मेरे ही पीछे था। तो चलो भाई सर, अब बारी है स्पैकलिंग पेस्ट की। तो इधर पे जितना टूटा फूटा है उधर पे सब जगह लगाता है ये स्पैकलिंग पेस्ट। तो चलो तो गैस, अभी स्पैकलिंग पेस्ट लगाना तो हो गया, और अभी है वॉल टाइल ब्लू विथ सल्फर। ओके, तो अभी इधर पे टाइल लगाते हैं और दूसरी वाली रूम में जाते हैं। उधर पर क्या करना होगा, चलो ये वाला, हाँ उधर उधर पर क्या करना होगा वो देखते हैं। तो वो टाइल तो अभी, चलो 1 2 3, और ये हो गया 4। चलो भाई इधर का काम ख़त्म, अभी स्पैकलिंग पेस्ट को लेके चलो भाई। पता नहीं भाई उस घर में भी शायद कुछ ऐसा ही सीन है। और ये घर, ओ भाई ये तो भाई सेम जैसा रूम। चलो भाई साहब, इधर पे कुछ टूटा फूटा नहीं है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए स्पैकलिंग पेस्ट को इधर रहने देते हैं और चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम में उतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ क्लीन अप करना होगा और एक ही ऐसा कूड़ा है उसको निकलना पड़ेगा। तो इस घर करते हैं, इसके बाद जो बाहर वाले रूम है उसका भी करना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसी में मैं एक बाहर का एक डार्ट साफ कर दिया है। फिलहाल चलो इधर का ही काम करते हैं। बात ही बातों में वैसे बाथरूम तो हो गया, और बात ही बातों में मैं ये वाला रूम भी साफ कर दिया है और सिर्फ ये 3 कूड़ा कचरा रह गया है। चलो वो भी चलो ख़त्म। तो ये रूम भी ख़त्म। चलो भाई इधर का दरवाज़ा बंद, इधर का भी काम हो गया। चलो इधर का दरवाज़ा, और अब बारी है इस किचन रूम की। तो इधर पे भी बहुत सारे डार्ट है भाई। अपना किचन इतना गंदा कौन रखता है, किचन छोड़ो भाई अपना घर भी इतना गंदा कौन रखता है।
ओ अच्छा, इधर पे स्पैकलिंग फिस्ट की जरूरत है, ये देखो काम करते करते ही देख दिया, देख लिया। ओ इधर भी जरूरत है, ओके भाई, ये इधर पे भी जरूरत है भाई। इस रूम में पता नहीं चल रहा है कहाँ पर स्पैकलिंग फिस्ट की जरूरत है या फिर नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ रहा है। और वैसे ये सब डार्ट वर्ड है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। डीप कलर का है शायद, ये ही हो सकता है। तो चलो अभी सभी डार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चार कुछ, चलो इधर पे एक है अभी भी रह गया है, तीन अभी भी रह गया है। ओ चलो इसके ही बगल में एक था, ये देखो भाई इधर पे भी ऐसे है ठीक है। इसका तो सब कुछ करना होगा, लेकिन और एक डॉट है, लेकिन ओ चलो भाई दिख गया। अभी मैं स्पैकलिंग पिस्ट लगाता हूँ, मैं काम करता हूँ यार, इसको ही लेके चलो भाई। चलो इधर पे लगा दिया मैंने, पीछे में एक है, तो इसी तरीके से मुझ इधर पे भी सिर्फ वॉलपेपर ही लगाना होगा और कुछ काम नहीं है शायद, तो देखते हैं। तो गाइस अभी तो स्पैकलिंग पेस्ट लगाना ख़त्म हो चुका है, और इधर पे वॉलपेपर लगाना होगा, वॉलपेपर कॉफ़ी। तो वॉलपेपर, चलो भाई वॉलपेपर कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी नाम का वॉलपेपर भी रहता है भाई, तो वैसे कॉफ़ी कॉफ़ी किधर है, वॉलपेपर कॉफ़ी किधर है, सॉरी वॉलपेपर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज कुकर का भी वॉलपेपर है, लेकिन भाई कॉफी का वॉलपेपर किधर पे है, वॉलपेपर कॉफी, भाई वॉलपेपर कॉफी नहीं है भाई मेरे पास, कुछ और लगवा दे यार, लगवा ले भाई, वॉलपेपर कॉफी नहीं है मेरे पास। चलो भाई वॉलपेपर कॉफ़ी तो मेरे पास ही था, मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही टेंशन ले रहा था। तो चलो इधर पे और इधर पे भाई लगा दो, चलो भाई इधर का भी काम ख़त्म। ओ सॉरी, मैं गलती से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो पहले तो निकलो भाई, इसको कर दो बंद, और मैं काम करता हूँ स्पैकलिंग पेस्ट को गैरेज में जाके रख देता हूँ, क्योंकि इधर पे ये देखो भाई इधर पे ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बैकयार्ड है वो पहले ख़त्म कर देते हैं भाई साहब, भाई कितना गंदा करके रखता है अपने घर, वो इनसे सीखे, कोई अपने घर आखिर अच्छे से गंदा करना चाहता है तो इनसे सीखे भाई, सीखे इनसे। फिलहाल तो यहाँ का सब कुछ ट्रांस वास जो कुछ भी है रिमूव कर देता हूँ, गर्बेज, और तब अंदर चलते हैं। गाइस तो अभी तो मैं गैरेज में आ चुका हूँ, और इधर का काम भी, वो जो डार्ट है वो सब निकलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। वैसे आप देखते हो तो इस घर में उतना कुछ काम है नहीं, मतलब सब कुछ ही सिंपल टाइप का एक काम है, उतना कुछ खरीदो इधर पे ऐसे तरीके से ऐसे रखो रखो, उतना कुछ काम है नहीं,
सिर्फ साफ सफाई करो, कुछ वॉलपेपर वॉलपेपर लगा दो, ऐसा ही है। ठीक है भाई, जो कुछ भी है। तो चलो भाई, बातों ही बातों में लगभग सारे डाट मैंने निकल दिया है, और कुछ तीन चार ऐसे रह गए, और इधर पे एक है। चलो इधर पे एक है, और किधर पे है भाई, और एक ही है, लेकिन वो एक किधर है वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है फिलहाल। चलो मैं इसको रख देता हूँ, और अभी जो कूड़ा कचरा है उसको मैं रिमूव करता हूँ, और इधर पे लगाओ अपना स्पैकलिंग पेस्ट, और इधर पे वॉलपेपर लगाते हैं। वॉलपेपर इसको चाहिए पेंट ग्रे ब्लू। ओ भाई साहब, ये देखो इधर पे ही है, इसकी बगल में। तो चलो अभी इधर पे स्पैकलिंग पेस्ट लगा दिया, और पेंट ग्रे ब्लू लगाना होगा। पेंट, ओ अच्छा पेंट, इधर पे पेंट चाहिए, पेंट ग्रे ब्लू। चलो भाई इधर पे रख दिया मैंने, और भाई चलो इसी कलर से इस घर का काम खत्म। और दो वॉल अभी रह गया है, इधर पे कर दिया, और लास्ट। और चलो भाई अभी हमें पैसा मिलने वाला है। भाई कर तो, ओ भाई नहीं, शायद अभी एक रूम रह गया है, लेकिन कौन से वाले रूम में? मैं तो सभी रूम कंप्लीट कर दिया, ये वाला रूम 100% है शायद। कौन किसी रूम में मैं सर 100% नहीं किया है, ये वाला भी 100% है। चलो इस वाले रूम में भी 100%। अरे भाई दरवाजा बंद हो गया, ये भी 100%। सभी तो 100% है भाई, शायद मैं कुछ कोई रूम तो मैं मिस कर रहा हूँ। इधर पे भी 100% है, बैकयार्ड में ही कुछ काम है। ओ अच्छा, नहीं, अभी दो कूड़ा। ओ भाई अच्छा, ये ऐसे छाया में है ना, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। तो चलो फिलहाल तो हम अभी घर में पहुंच चुका, और अभी हमारे पास अच्छी खासी एक पैसा हो गई है, और हम लोग अभी इस सब को चेंज कर सकते। पहले तो ये इसको भाई, ये बहुत ही खराब ही लग रहा था। तो विंडो 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 कौन सी वाले लगाओ, विंडो 1 या फिर विंडो 2? मैं सोच रहा हूँ कि विंडो 2 लगा दूँ। विंडो 2 ये कैसा रहेगा? नहीं ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला भी उतना अच्छा नहीं है, ये वाला भी नहीं। ये शटर है, ये शटर के साथ है, ये भी अच्छा नहीं है भाई। मुझे एक भी लिटरली अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो था, भाई डबल विंडो विथ शटर से लगा देता हूँ भाई, सेम ही प्राइस तो पूरा ही सेम है, तो फिर यही लगा देता हूँ। तो चलो अभी पैसा तो लगभग हो ही चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको चलो बेच दिया। भाई बेच तो दिया, किसका आवाज आ रहा है भाई? भाई गेम वाला इसको कुछ कुछ करो यार। तो गैरेज का डोर ऐसे वाला लगा है, या फिर
लेकिन ये शायद बड़े वाले के लिए है। नहीं, इतना बड़ा मेरा घर है नहीं, इसीलिए मुझे तो छोटा वाला ही लगाना पड़ेगा अभी के लिए। अच्छा, नहीं शायद हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। तो चलो, ये ही तो हमने लगा दिया है। और अभी देखो, अभी दरवाजे का साउंड नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अभी आ रहा है, लेकिन कुछ देर पहले नहीं आ रहा था। ओ अच्छा, जब डाउन में आ रहा है तब आवाज नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो अभी तो इसको चलो सेल करते हैं। चलो भाई, और इधर पे हम कौन सी वाले लगाए। ये $287 का है, $287। ठीक है, इधर के लिए ये ही सही है। तो चलो भाई, इधर पे जाओ। और मैं पहले तो इसको भी, चलो भाई इधर पे हम एक विंडो, डबल विंडो। चलिए इधर पे मैं सोच रहा हूँ ऐसे वाले लगा दे। चलो भाई, और अभी तो दो विंडो है, ये दरवाजा है, और बाथरूम में कुछ काम वाम करना होगा। तो अभी तो 373 भाई, 1800 कुछ ऐसा कुछ प्राइस था हमारे पास, और सिर्फ इतना कुछ चेंज किया उससे ही पैसा सारे लगभग ख़त्म। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक एंड शेयर भी कर देना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो गाइस आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।